कहावत है कि किताब अगर आंखों के बहुत करीब हो तो अक्षर धुंधले हो जाते हैं। यह महज एक कहावत नहीं बल्कि जिंदगी की सच्चाई है। आज जो घटना हम दिखाने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस कहावत के तर्क को सही साबित करती है। ये कहानी उत्तर भारत के एक बड़े शहर की, हंसता खेलता एक कुणाल का परिवार, एक हाउसवाइफ और दो बच्चे एक मुकम्मल पारिवारिक जिंदगी को आकार देने में जुटे हुए थे। पर अचानक इस परिवार पर एक ऐसी विपदा आई कि उन्होंने कभी अपने बुरे से बुरे ख्वाब में भी नहीं देखी होगी। एक हंसता खेलता परिवार मौत के तांडव में तब्दील हो गया। इस घर की चार दीवारियों के बीच गुनाहों की ऐसी आंधी आई कि सब कुछ तबाह होकर रह गया। ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, आखिर कौन था वो अपराधी जो इस परिवार पर कहर की तरह बरसा, ये जानने के लिए हमें इस परिवार के अतीत में झांकना होगा। मिस्टर सिंह, आई एम वेरी सॉरी, हमारे स्कूल में इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाती। आपकी लड़की मेघा ने इस मासूम लड़के को पूरे स्कूल के सामने मारा है। ये एक दिन की बात नहीं है मेघा, रेगुलरली तुम्हारी कंप्लेंट्स मेरे पास आ रही थी। ये तुम्हें क्या हो रहा है, आंसर मी। कुछ बोलती क्यों नहीं मेघा, ये क्या जवाब देगी? जब खुद ही समस्या की जड़ है तो क्या कहेगी ये? देखो, आप लोगों को जो कहना है कही, जो समझना है समझी, लेकिन इसकी शामत आनी थी सो हुआ। देखा मिस्टर सिंह, ये है आपकी लड़की का जवाब। अगर ये ऐसी ही रही तो मुझे खेद है, मुझे इसे स्कूल से रेस्टिगेट करना पड़ेगा। अनुशासन को तोड़ने की जो भी सजा हो सकती है इसे दीजिए। रिस्पेक्ट एंड डिसिप्लिन एक स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने चाहिए। रूल्स आर रूल्स। ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं नहीं मैम, प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए। अभी छोटी है, नादान है, धीरे धीरे समझ जाएगी, और वैसे भी मैं इसकी गारंटी लेती हूँ आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करेगी। अगर आप इसे रेस्टिकेट कर देंगे मैम तो मेरी बच्ची की तो लाइफ खराब हो जाएगी। प्लीज मैम, Give her one more chance, please. मिसेस सिंह, सच बात तो ये है, मैं खुद ये सब नहीं करना चाहती, पर मुझ पर पूरे स्कूल के बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके कहने पर मैं इसे एक चांस दे सकती हूँ, बट आफ्टर दैट नो मोर। थैंक यू मैम, थैंक यू। अक्सर देखा गया है कि पीढ़ी का अंतर, जिसे हम जनरेशन गैप कहते हैं, उसकी वजह से माता पिता और बच्चों के बीच दरार पैदा हो जाती है। वैसे तो दोनों पक्षों को आपस में समझना होता है कि समस्या है कहां, पर अगर बच्चे नाबालिग हों तो इसकी जिम्मेदारी माता पिता की होती है। बार बार बच्चों के साथ बेरुखी से पेश आने पर माँ बाप और बच्चों के बीच एक दीवार खड़ी हो जाती है, जैसे इस परिवार के साथ हुआ। जी नीलेश, मैंने मेघा का खाना लगा दिया है, तुम उसको छुपके से खिलाना और संभल के जाना, कहीं तुम्हारे साहब न देख लें। जी आंटी। मेघा ये लो, आंटी ने खाना भेजा है तुम्हारे लिए। भूख नहीं मुझे, ले जाओ। अरे मेघा, खाने से कैसा गुस्सा, चलो आओ थोड़ा खा लो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, नहीं चाहिए। मेघा ये लो, थोड़ा ले लो, चलो मैं खिला दूं। तुम्हें समझ नहीं आता, क्या हो रहा है सब? मैंने क्या कहा था, मेघा को आज खाना नहीं मिलेगा। मेरे ऑर्डर के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे की तुमने? अरे ये आप क्या कर रहे हैं, इसमें इस बेचारे की कोई गलती नहीं है। एक्चुअली इसको खाने की प्लेट देकर मैंने ही भेजा था।
नीरजा तुम क्या करती? मां हूं ना, औलाद की भूख देखी नहीं गई, इसीलिए। देखिए, मेरा इरादा आपके खिलाफ जाने का नहीं था, पर अगर मैंने आपको हर्ट किया है तो आई एम सॉरी, मगर प्लीज आप नाराज मत होइए। मैं कहां नाराज हूं, लेकिन अगर इसने अपना गुस्सा काबू में नहीं रखा तो आज गुस्से में आकर इसने खाना फेंक दिया है, कल किसी की जान भी ले सकती है। मेरी बात याद रखना। मेघा बेटा, तुमने आज का टाइम टेबल तो ले लिया ना अच्छे से? हाँ। क्या बात है मेघा, ऐसे एक ही जगह पर क्यों खड़ी हो? पॉकेट मनी। पॉकेट मनी? एक काम करो, ये लो, ये कबर्ड की चाबी है, जाकर खुद ही निकाल लो, ठीक है? हाँ। वाओ यार मेघा, मोबाइल, यू आर सो लकी यार। अच्छा है ना? हाँ, कहाँ से मिला ये तुम्हें? बहुत महंगा होगा ना? ये मेरे एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया। काश मुझे भी कोई ऐसा गिफ्ट दे। चल हाँ, अब मुझसे जे मत हो। ए सुन, मुझे तेरा नंबर तो दे, मैं तुझे फोन करूंगी। लिखना 982। गिरजा, गिरजा, आपने बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें पैसे दिए थे ना रखने के लिए, कहाँ है वो? कबर्ड में रखे हैं, हम जाते हैं। यहीं तो रखे थे। निर्जा, जल्दी दो पैसे, मुझे लेट हो रहा है। जी बस देख रही हूँ, अभी देती हूँ। ये लो, ये कबर्ड की चाबी है, जाकर खुद ही निकाल लो, ठीक है? हाँ। क्या हुआ? कहाँ है पैसे? अब मैंने यहीं रखे थे, पर अब नहीं मिल रहे हैं। किसी और को तो नहीं दिया ना? किसी और को? नहीं, लगता है मैं ही कहीं रख के भूल गई हूँ। ये लो बेटा। मेघा, बेटा तुमने पॉकेट मनी ले ली थी ना? अच्छा मेघा, अगर तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो तो बोल सकती हो। देखो बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, कि अगर तुम्हें कुछ मुझे बताना है, डरने वाली कोई बात नहीं है। मम्मा, मुझे आपसे कुछ नहीं कहना। मेघा, ठीक से सोच लो। देखो मम्मा, अगर मुझे आपसे कुछ कहना होता तो मैं दूसरों के सामने भी कह सकती हूँ। प्लीज, मैं क्यों किसी से डरूं? ठीक है, मैं एक बात पूछती हूँ, मुझे सच सच बताना। पूछिए। तुमने कहीं चोरी तो नहीं शुरू कर दी? क्या? हाँ बेटा, जब तुमने मेरी कबर्ड से अपनी पॉकेट मनी ली
बेटा वहां से सारे पैसे क्यों ले लिए? माँ, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं था तो आपने मुझे चाबी दी ही क्यों? मेघा, बात भरोसे की नहीं है, मुझे बस ये बताओ तुमने पैसे लिए या नहीं। मैंने कहा ना, मेघा ये कहां से आया, किसका है ये? मेरा है। ऑफ कोर्स बेटा, तुम्हारा ही होगा, तुम्हारे बैग से निकला है। मैं ये पूछ रही हूँ कि किसने दिया तुम्हें ये? मेरे एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया। व्हाट? गिफ्ट और मोबाइल फोन? मेघा झूठ मत बोलो मुझसे, कोई भला किसी को इतना महंगा गिफ्ट क्यों देगा? सच सच बताओ, किसने दिया तुम्हें? अच्छा ठीक है, फ्रेंड का नाम बताओ जिसने ये दिया है। बस करो मम्मा, अगर आपको लगता है कि मैंने पैसे चोरी किए तो आपने पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर देते मुझे? अरे मेघा, निर्जा, निर्जा जी, क्या बात है, परेशान लग रही हो? नहीं तो, ऐसी तो कोई बात नहीं। सच बताओ, कहीं मेघा ने फिर से कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है निर्जा, हद हो गई, मेरे ब्रीफकेस से पैसे फिर गायब है। ऐसे कैसे हो सकता है, आपने ठीक से देखा नहीं होगा, मैं देख कर आती हूँ। पैसे मिले? नहीं, मैंने हर जगह पे देखा लेकिन मगर पैसे नहीं मिले। मेघा, पैसे तुम्हारे पास है? क्या मेरे पास आपके पैसे? नहीं तो। सच बताओ मेघा, तुमने पैसे कहाँ रखे हैं? एक साल पहले भी तुमने ऐसी हरकत की थी, भोला बनने का नाटक मत करो। आपके पास क्या सबूत है कि मैंने पैसे चोरी किए? सबूत तुम और तुम्हारी हरकतें हैं। आपको कोई और नहीं मिला तो मेरे पीछे पड़ गए? Why don't you leave me alone? खुद कहीं भूल कर रख गए होंगे, जाइए खुद ढूंढिए। मम्मा मुझे स्कूल के लिए दे रही हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? बस कीजिए ना, जाने दीजिए उसे। हे मेघा, आज की पार्टी याद है ना? आ रही हो ना? ऑफ कोर्स निशा, तेरी पार्टी हो और मैं ना आऊं? नॉट पॉसिबल। चल बाय देन। बाय। मम्मी पापा को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, समझे? और तुम भी। मम्मा, मैं निशा के यहाँ जा रही हूँ। पर क्यों बेटा? हम लोग साथ में मिलकर पढ़ाई करेंगे। पर बेटा, निशा को हाँ कहने से पहले तुम्हें मेरी परमिशन लेनी चाहिए थी। मम्मा, मैं आपकी परमिशन नहीं मांग रही, आपको बता रही हूँ। आई बी लेट। पर तुमने उसे जाने क्यों दिया? मुझसे पूछ तो लिया होता। मैं क्या कर सकती थी, उसने खुद ही सब कुछ डिसाइड कर लिया। इस लड़की ने तो नाक में दम कर रखा है। देखिए, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, आजकल बच्चे ऐसे मिलकर एक दूसरे के घर जाके स्टडीज करते हैं। बाय। क्या पार्टी है यार, बेकार पार्टी है, कुछ नहीं हो रहा यार, मूड खराब हो गया। ए प्रतीक, वो देख मेघा, वो भी अकेली। वाव, वो भी अकेली, आज दिखाता है इसे, बदला क्या होता है। मुझ पर हाथ उठाया था ना,
सुनना, अरे लीव मी अलोन। कम ऑन यार, चलते हैं। डोंट टच मी प्रतीक। टिकट्स भी है। कम ऑन यार, कुछ नहीं होगा। डोंट टच मी। टिकट्स है मेरे पास। जस्ट लीव मी अलोन यार। सुनानी, इसने क्या बोला? लीव द हैंड। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मुझे क्या प्रॉब्लम है? दिखाती हूँ मुझे क्या प्रॉब्लम है। अब समझ आया? बोल बोल बोल। आज मजा चखाता हूँ इसे, देख तू। आ जा, तो ड्रिंक ले। दो ग्लास यार, चेंज ओवर। ग्लास की कंटिन्यूटी चेंज हो गई है। हाय मेघा। हाय। अरे अकेली, तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक खत्म हो गई यार। नहीं नहीं है, थोड़ी तो है। नहीं थैंक्स। अरे लो थैंक्स यार। अरे लो लो लो। पापा को बता देते। किसी को कुछ मत बताना दीदी कहाँ गई है, ठीक है? क्या हो रहा है ये सब? जी सर, वो मैंने पूछा क्या हो रहा है ये सब, सच बताओ। Hi, how are you? Hi. Listen, I'm sorry for that day. चल यार, भूल जा, तू भी क्या है? पता है, जोया मुझे माफी नहीं कर रही यार। Please मेरी मदद कर दो, please. कहाँ है जोया? वो वहाँ उस रूम में है, please मेरे साथ। तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। सर नहीं, कुछ भी तो नहीं। मुझसे झूठ बोलने का अंजाम जानते हो ना? सर वो निशा है ना, मेघा की फ्रेंड, उसने आज मेघा को घर पे बुलाया पार्टी के लिए। ये निशा रहती कहाँ है? जोया कहाँ है? आ जाएगी जोया, वो है यहीं पे। जाओ ना यार। सुन ना, जोया को बुलाओ। लिसन ना, जोया है यही है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? मेघा, तू रुक यहाँ पे। मेघा बेटा, तू तो पढ़ाई करने गई थी ना? तू अकेले इस लड़के के साथ इस कमरे में क्या कर रही है? मेघा, मेघा बेटा, कुछ तो शर्म की होती। हाँ निर्जा, इस लड़की को यहाँ से ले जाओ, वरना। मेघा एक शब्द और मत कहना और चल चल यहाँ से, चल। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मेघा को हो क्या गया। इसके मन में जरूर कोई ना कोई बात है जो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बात? कैसी बात? सब कुछ तो है इसके पास, किस बात की कमी है? जरा सोचिए, सब कुछ होते हुए भी कोई ये सब क्यों करेगा? देखिए, कोई ना कोई बात जरूर है, क्यों ना हम किसी तरह की कोई हेल्प ले लें। हेल्प? किसकी हेल्प? मेडिकल हेल्प, आजकल बहुत कुछ होता है, काउंसलिंग वगैरह। यू मीन साइकेट्रिस्ट? हाँ, ये सही रहेगा।
देखो बेटा, मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे सब कुछ बिना किसी झिझक के बता सकती हो। क्या आप मेरी बातों पर विश्वास करेंगे? जो सच है उस पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा। बताओ, कहाँ से शुरू करना चाहोगी तुम? मुझे कोई समझने की कोशिश ही नहीं करता। ऐसा क्यों है? वो मैं नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि मुझ पर ब्लेम करने का मौका नहीं चूकता कोई। कोई से मतलब तुम्हारा? मेरे पेरेंट्स और कुछ लोग। कोई समझने की कोशिश ही नहीं करता मुझे। मैं समझना चाहूंगी तुम्हें। मुझे बताओ, मेरे घर पे मुझे अनजान व्यक्ति की तरह ट्रीट किया जाता है। स्कूल में भी तुम्हारा झगड़ा हुआ था किसी के साथ? हाँ प्रतीक, उसकी तो शामत ही आई थी। पर तुम्हारे ही हाथों क्यों? मैं अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस वो एक्चुअली मेरी फ्रेंड जोया को सता रहा था, उससे जबरदस्ती कर रहा था, उसके हाथ मरोड़ रहा था। चोरी क्यों की तुमने? चोरी? मैंने कभी चोरी नहीं की। पर तुम्हारी माँ ने बताया था कि तुम्हारे पास एक मोबाइल है और वो उन्होंने कभी खरीद कर भी नहीं दिया, तो फिर वो कहाँ से आया? मोबाइल? हाँ, मैं कई महीनों से अपनी पॉकेट में नहीं सेव कर रही थी, उसी से मैंने अपना मोबाइल खरीदा। मैंने कहा ना, मैंने कभी चोरी नहीं की। चोरी किसने की? किसने की? मैं भी बहुत चिंता में थी कि चोरी मैंने नहीं की वो मैं जानती हूँ, पर चोरी तो हुई है, किसने की होगी? कोई तो है जो मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा था। मैं हैरान थी ये जानकर कि हमारे घर का नौकर नीलेश चोर है। तुमने ये वाली बात अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बताई? क्या फर्क पड़ता अगर बताती भी तो? कोई मुझ पर भरोसा थोड़ी करता। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? पापा जितनी मुझसे नफरत करते हैं उतना ही नीलेश से प्यार। ये है कौन और कहां से आया तुम्हारे घर में? ओए लड़के, क्या कर रहा है? किताब चाहिए था पढ़ने के लिए, कसम से साहब। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? नीलेश साहब, यही नाम बताया इसने। साहब इसी ढाबे पे काम करता है, और हाँ साहब, इसका अपना कोई नहीं है। पढ़ना चाहता है? हाँ सर। तो ठीक है, गाड़ी में बैठ, आज से तू मेरे लिए काम करेगा और तेरी पढ़ाई लिखाई मेरी जिम्मेदारी। गाड़ी में बैठ। यह है नीलेश, याद से हमारे साथ ही रहेगा। यह तुम्हारे और करण के नीलेश भैया हैं। क्यों नीलेश, खुश हो ना? भैया चलो मैं आपको मेरा घर दिखाती हूँ। सुनिए, ये सब क्या है? मेरा मतलब है कि आप ऐसे कैसे किसी को भी बाहर से उठा के घर पे ले आए? कुछ भी तो नहीं जानते हम इसके बारे में। कौन है, कहां से आया है, कहां का है? इसमें जानना क्या है? अनाथ है बेचारा, पढ़ना चाहता है। मैंने सोचा कि तुम इसे पढ़ा भी सकती हो और ये घर के कामकाज में तुम्हारा हाथ भी बटा देगा। ये सब तो ठीक है, पर मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आज से ये हमारे घर का सदस्य है, दैट्स फाइन। नहीं
तुमने कभी ये देखा? ये तो बहुत अच्छा है, क्या मैं इसे रख सकता हूँ? नहीं, ये मेरा खिलौना है, तुम इसे नहीं रख सकते। चाहिए मुझे। मम्मी, 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 मम्मी। निलेश, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। सच्ची बताओ, क्यों तोड़ा तुमने मेघा का खिलौना? मैंने नहीं तोड़ा, मेघा झूठ बोल रही है। क्या हुआ निर्जा, क्यों डांट रही हो इस बेचारे को? इसने मेरा खिलौना तोड़ दिया पापा। सच बता, तुमने इसका खिलौना तोड़ा? कसम से मैंने नहीं तोड़ा। देखिए, ये झूठ बोल रहा है। देखो, मैं जानता हूँ कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। आइंदा मुझे ये सब सुनना नहीं, ठीक है? और उसके बाद ये मेरी जिंदगी की सच्चाई बन गई। निलेश की हर गलती के लिए मुझे डांट पड़ने लगी। मैंने सच कहने की बहुत कोशिश की, पर पापा ने मेरी एक नहीं सुनी। और फिर जब मैं अपनी सफाई दे देकर थक गई, मैंने सफाई देनी छोड़ दी। बस अब कई सालों बाद आज आपको सच्चाई कह रही हूँ। आखिर जिस बात का मुझे डर था वही हुआ ना? वो सबको बेवकूफ बना रही है। उसे यहाँ इलाज के लिए भेजा तो उसने नई कहानी बनाकर हम सबको आपस में लड़वा दिया। और जहाँ तक निलेश की बात है, मुझे यकीन है कि वो पाक साफ है। पर मिस्टर सिंह, मेघा ने खुद मुझे ये सब बताया है। वो आपको भी बेवकूफ बना रही है। वो मेरी औलाद है, मैं उसे जानता हूँ। अगर इतनी चतुराई और दिमाग पढ़ाई में लगाती तो पूरे स्कूल में टॉपर हो सकती थी। What nonsense! मुझे दुनिया के सामने विलन करार करके ठंडक पहुंची हुई ना तुम्हें? यही सुनना बाकी था कि तूने जो गलतियां की है उसका जिम्मेदार मैं हूं। मैं? ये आप क्या कह रहे हैं, थोड़ा धीरज से काम लीजिए। हो सकता है कि इसने कुछ। तुम चुप रहो, मुझे नहीं लगता इस लड़की का कोई फ्यूचर हो सकता है। मेघा की माने तो जिन गुनाहों की सजा उसे मिल रही थी उसका असली हकदार निलेश था। डॉक्टर के सामने मेघा ने खुलासा किया कि उन सभी चोरियों के पीछे निलेश का हाथ था, जो उसके घर का एक अहम सदस्य था। इतना अहम कि उसके पिता उससे ज्यादा निलेश की बात पर भरोसा करते थे। एक ढाबे से एक बच्चे को घर लाकर बेटे से प्यार देना सचमुच मेघा के पिता की रहम दिली और नेक दिली साबित करती है। लेकिन रहम दिल होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी आंखों पर लापरवाही की पट्टी बांध लें। I'm sorry, बेटा, मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। नहीं मम्मा, आप प्लीज मेरी बुरी किस्मत अपने सिर पर मत लीजिए। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। I'm sorry, समझने में थोड़ी देर हो गई। कुणाल साहब ने अपनी बेटी को आखिरी वार्निंग दी कि इसके बाद उसके लिए कोई माफी नहीं थी। निलेश की हरकतों से कुणाल साहब की आंखों में धूल पड़ गई थी और वो अपनी बेटी से दिन ब दिन दूर जा रहे थे। पर सवाल अभी वही था, क्या कुणाल साहब निलेश का असली चेहरा देख पाएंगे? जब देखेंगे, क्या तब तक बहुत देर हो गई होगी? तू ही है ना, पता था मुझे। अभी बुलाती हूँ मम्मी पापा को। मम्मी पापा, पापा। सुन तो। नहीं, सब दिखाऊंगी अभी। पापा को सब समझ जाएगा तेरी करतूत देखकर। अपनी चहिते को बहुत धूल झोंक ली ना तूने सबकी आंखों पर, अब तू तो गया। मम्मी पापा जल्दी आओ। क्या कर रहे, क्या कर रहे? ये सब क्या तमाशा है? क्या बात है बेटा, चिल्ला क्यों रही थी? मम्मी पापा, ये चोरी कर रहा था और जब मैंने इसे पकड़ा तो देखो क्या करने लगा। नहीं सर, ये झूठ बोल रही है, ये चोरी कर रही थी, मैंने पकड़ा इसे सर। झूठ? तू सच कह रहा है? आपकी कसम सर। और जब मैंने इसे रोकना चाहा, देखिए सर, इसने मेरा सिर दीवार पे दे मारा। नहीं पापा। देखिए सर कितना लगा सर, अगर आपको मेरे पर भरोसा नहीं है तो मैं घर छोड़ के चला जाता हूँ सर। घर छोड़कर तू नहीं, मेघा जाएगी। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो तुमने सुना। पापा, अगर तू नहीं चाहती कि मैं इसे जेल भेजू तो कल ही अपनी माँ को बुला भेजू कि वो यहाँ आए और इस मुसीबत को यहाँ से हमेशा के लिए ले जाए। Am I clear? पर आप मेरी मेरी हम कभी कभी अपने जज्बातों के जाल में फंस जाते हैं
जो कुणाल साहब के साथ भी हुआ। उन्होंने एक गरीब की मदद करनी चाहिए, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? धोखा और फरेब। हम ये नहीं कहते कि हमें किसी गैर की मदद नहीं करनी चाहिए, लेकिन किसी भी गैर को अपने घर में दाखिल करने से पहले हमें सावधानी बरतनी चाहिए। एक बार फिर मेघा नीलेश के चेहरे से पर्दा हटाने में चूक गई। नीलेश ने फिर पासा पलट दिया और एक बार फिर मेघा को अपने पिता के प्रकोप का सामना करना पड़ा। उस लड़के नीलेश के ऐसे बर्ताव की वजह क्या थी? क्या उसका लालच सिर्फ पैसा था, या फिर उसके शातिर दिमाग में कोई खतरनाक साजिश पक रही थी? मैं लेट हो गया, सॉरी यार। तू तो हमेशा ही लेट हो जाता है। कोई नहीं, चल बैठ। अरे तू फिकर मत कर, रानी बना के रखूंगा तुझे, रानी। उसके लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए, है क्या तेरे पास उतने पैसे? तू चिंता मत कर डार्लिंग, मैं हूं ना। बड़ा बदमाश है तू। वो तो मैं हूं। अच्छा अभी कल सुबह तैयार है ना, पहली गाड़ी से हम निकल जाएंगे, ठीक है? फोकट में मत भगाना, छोड़ दूंगी। अरे हाँ डार्लिंग, पैसों से तोल दूंगा तुझे। तो पता है जिनकी जान तो तोते में थी, तो राजे ने तोते की गर्दन ही मरोड़ दी। करण करण, मम्मी पापा कहाँ हैं? मम्मी पापा तो पापा के दोस्त के घर है पार्टी पे। क्या हुआ? तू इतनी घबराई सी क्यों है? नहीं कुछ नहीं, मैं घबराई नहीं हूँ। अच्छा चलो नानी, करण चलो ऊपर चलते, चलो ना उठो उठो। ऊपर क्या है? चलिए ना, मैं आपको बताती हूँ, चलिए। अच्छा बाबा, अच्छा चल चल बाबा, चल चल ऊपर चल, करण जल्दी चल 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 चल। मम्मी का मोबाइल? साला इतना पैसा से क्या होगा, ये तो कम पड़ेगा। जब एक बार निकलना ही है तो बड़ा हाथ मार के ही निकलता हूं। हाँ ऐसा करती हूँ, सारे पैसे और गहने एक ही जगह छुपा देती हूँ। बुढ़िया क्या करी तू यहाँ पे? तो क्या कर लेगा तू? क्या कर लूंगा मैं? मेरे को बता मार का। कहाँ छुपा है माल? क्या कर रहा है? छोड़। मेघा, बता सारा माल का है? मेघा, 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 माल का है बता? छोड़, छोड़।
सारा माल खा चुका है। मौत का तांडव जो कुणाल साहब के घर मचा, उसके पीछे कौन था? जरा इस सवाल पर गौर से सोचिए। जवाब होगा नीलेश, जो इस कत्लेआम का असल गुनेगार है। पर क्या यह सवाल सिर्फ नीलेश तक सीमित होना चाहिए? शायद नहीं। दिल दहला देने वाली इस खूनी वारदात के लिए कुणाल साहब भी उतने ही जिम्मेदार हैं। मुझे माफ कर दे बेटा, ये सब मेरी गलती। आज मेरी वजह से तुम्हारा भाई खरण और रानी, आई एम सॉरी। गिरफ्तारी के बाद अदालत ने नीलेश को गुनहगार मानते हुए उसे मौत की सजा सुनाई। मेघा को अपनी बहादुरी के लिए वीरता और साहस के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पर हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए, नीलेश के साथ साथ कुणाल साहब को भी लापरवाही की सजा मिली। उन्हें अपने बेटे और सास की जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। इस कहानी का अंत इस बात की ओर इशारा बिल्कुल नहीं करता कि हम परायों पर भरोसा करना छोड़ दें, कि हम दूसरों की मदद करना छोड़ दें, कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की ओर सीमित होकर रह जाएं, बल्कि इस कहानी का अंत उन सावधानियों की ओर इशारा करता है जिससे हम अपने आप को अपराध के ऐसे षड्यंत्रों से बचा सके। मेघा की सावधानी, हिम्मत और बहादुरी ने एक शातिर अपराधी को उसके असली अंजाम तक पहुंचाया। तब तक वो अपने भाई और नानी को खो चुकी थी। मेघा की सावधानी को अगर उसके पिता का सपोर्ट मिलता तो शायद ये मौत का तांडव टल सकता था। इसीलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए। कल फिर मिलेंगे जुर्म से जंग की एक ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक सावधान इंडिया, 100 दिन 100 फाइट बैक्स।